हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई सीबीओ के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर के 5,280 से ज़्यादा खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस ऑफिसर सीबीओ के 5,280 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 22 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल इस भर्ती के रिगार्डिंग वन बाय वन करके केयरफुली रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर अगर आपने पहले से इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आपको इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में सबसे पहले यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, फिर आपको अपना फर्स्ट नेम एक बार फिर से यहां पर एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो यहां पर एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। फिर आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। कोई और अल्टरनेट नंबर है तो उसे भी यहां पर आप एंटर कर सकते हो, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहां पर इस कॉलम में आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर डोमेन नेम आपको इधर इस सेकंड कॉलम से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप कर देनी है, फिर यहां पर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उनके लिए भी आपको यहां पर गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहां पर गाइस, आपके सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए, फोटोग्राफ आपका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहां पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहां पर आपको सर्कल सिलेक्ट कर लेना है, जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहां पर आपको लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, क्या आप जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज जानते हो, तो यहां पर आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी होगी जो उस सर्कल की लोकल लैंग्वेज होगी। फिर यहां पर आपसे पूछा गया कि आप 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट में आपने स्टडीज ऑप्शन, आपके पास लोकल लैंग्वेज थी इस सर्कल की जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहां पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद यहां पर आपको अपनी सब कास्ट एंटर कर देनी होगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और आपकी पीडब्ल्यूबीडी की परसेंटेज 40% से अबव है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहां पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहां पर आपको इस पेज को फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहां पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। फिर आप अगर आप
माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ई एक्स सर्विसमैन हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और फिर अपनी पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पर मंथ के अंतर्गत एंटर कर दें। नहीं है आप ई एक्स सर्विसमैन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कार्यरत थे, अगर थे तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ऐसे ही यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ऑलरेडी वर्किंग है SBI में, अगर है तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अर्लियर एम्प्लॉयड हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक्स में, अगर है तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अर्लियर एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी क्लैरिकल कैडर के अंतर्गत, अगर है तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चन वन बाय वन करके केयरफुली रीड करने हैं और फिर इनके आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग येस या नो ऑप्शन में प्रोवाइड कराने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका स्टेट कोड आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप एग्जाम के दौरान ID प्रोवाइड कराएंगे, तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई भी ID प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है जो आप एग्जामिनेशन के दौरान प्रोवाइड कराएंगे और फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करें और उनका नाम दें, नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है। फिर आपको अपने फादर का मिडिल नेम लास्ट नेम एंटर करना है। नहीं है मिडिल नेम और लास्ट नेम तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। ऐसे ही यहां पर आपको अपनी मदर का फर्स्ट नेम एंटर कर देना है और उसके बाद आपको उनका मिडिल नेम लास्ट नेम एंटर करना है। नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहां पर अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम यहां पर एंटर कर देना होगा। ये कॉलम आपको डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आप ऊपर अनमैरिड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहां पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। फिर यहां पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस। उसके बाद यहां पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस हम यहां पर आपको ऐसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं यहां पर। जी हां दोस्तों, यहां पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट को ₹750 फीस के रूप में जमा कराने होंगे। SC ST PH कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है तो यहां पर आपको नील शो कर दिया जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इस तरह से कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम के अंतर्गत। प्लस आपको यहां पर एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है मिनिमम दो साल का एक्सपीरियंस यहां पर आपको होना जरूरी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्लस यहां पर आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना जरूरी है पोस्ट इसेंशियल अकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 31/10/2023 तक एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑफ एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो यहां पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है किसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। उसके बाद कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है, कब आपने पास आउट की है ये डिग्री, वो डेट यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहां पर एंटर करें, अपनी क्लास सेलेक्ट करें फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या फिर पास आउट है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहां पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल यहां पर प्रोवाइड करानी है। यहां पर आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन बतानी है, फिर कब से कब तक आपने कार्य किया है, जॉब की है वो डेट यहां पर आप सेलेक्ट कर ले, फिर नेचर ऑफ ड्यूटी आप यहां पर एंटर करें, अगर जॉब छोड़ चुके हो तो उसे छोड़ने का कारण यहां पर आपको एंटर कर देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहां पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट होकर यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा, टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा इन डेट्स के अकॉर्डिंग। फिर अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप एड मोर ऑप्शन पर क्लिक
क्लिक करें, एक और रो यहां पर ऐड हो जाएगी और ऐसे ही आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहां पर प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले रखी है, अगर ले रखी है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं ले रखी है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करानी है, यहां पर आपका कम से कम हिंदी लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है, उसे आपको रीड राइट और स्पीक आना जरूरी है। इन तीनों चेकबॉक्सिस को ओके करें। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, कोई आपकी लोकल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश उर्दू जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो यहां पर एंटर करें और उसके बारे में बताएं, आप उसे रीड राइट स्पीक जो भी करना जानते हैं यहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स कंप्लीट फिल करने के बाद अब आपको वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर ले और उसे कंप्लीट कर ले, नहीं कोई मिस्टेक है तो आप डिक्लेरेशन सेक्शन में यहां पर इस स्टेटमेंट को रीड करें और फिर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइस यहां पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करें, गाइडलाइन चेक करें, यहां पर आपकी पीडीएफ, जी हां दोस्तों, पीडीएफ का साइज 500 केबी से कम होना चाहिए, तो यहां पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहां पर अपलोड कर देना है। यहां पर आपको अपना आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेट, ब्रीफ रिज्यूम, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप यहां पर आपको अपलोड करनी होगी। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है, सिक्योरिटी कोड, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर का ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहां पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइज अगर यहां पर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और अगर आप यहां पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है या फिर गाइज आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 750 पहले फीस के रूप में जमा कराने होंगे। जी हां दोस्तों, ₹750 आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, वहां से फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO का ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।